आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में कदम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्टर कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्शन लाइन में किस तरीके से एजुकेशन किस तरीके से हम इंटर्नशिप पर काम कर सकते हैं और क्या क्या सैलरी रहती है। तो आज इन सभी के बारे में हम जानेंगे, तो देखते रहे हमारे YouTube चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि डायरेक्टर क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे लोग तो जानते होंगे फिल्म डायरेक्शन में जो डायरेक्टर होता है उसका मेन रोल होता है, वही कास्टिंग डायरेक्टर देखता है, वही स्क्रिप्ट को देखता है, वही कास्ट जो होते हैं उनको भी देखता है। कास्टिंग डायरेक्टर एक अलग होता है, लेकिन उसके ऊपर भी डायरेक्टर होते हैं। तो डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो आप कितना भी इंटर, आप 10+2 हैं या एक कार्ड बनवाना पड़ता है, और सिंपली अगर आपको आता है काम, अगर काम आपको मिल जाता है, तो आप काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंटर्नशिप या फिर किस तरीके से हम डायरेक्शन के काम को सीखेंगे, तो सबसे पहले आपको जो पुराने डायरेक्टर हैं या फिर जो बड़े बड़े स्टूडियोज वगैरह हैं वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर इंटर्नशिप पर असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आपको पोस्ट मिल जाती है, तो वहाँ पर आप फ्री में काम कीजिए। अगर कुछ वो लोग सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी लीजिए, नहीं तो पहले 2 सालों में तो सैलरी देते नहीं हैं वो लोग, तो आपको वहाँ पर फ्री काम करना पड़ेगा। तो फ्री काम करने के साथ आपको सीखेंगे कि किस तरीके से डायरेक्शन किया जाता है, क्या क्या होता है, और आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना काम ढूंढना है। अगर आपको काम मिल जाता है तो आप एक डायरेक्टर बन चुके हैं, और डायरेक्टर बनने के लिए अगर काम करना है डायरेक्टर डायरेक्शन के रूप में, तो आपको एक डायरेक्टर कार्ड बनवाना पड़ता है। तो उसके लिए तो आप ऑफलाइन बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी। इनकी एक वेबसाइट है इफ्टेडा, यानी इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन। आप इस पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और इनकी मेंबरशिप ले सकते हैं, आपको एक कार्ड प्रोवाइड हो जाएगी। ये संस्था ऐसी होती हैं जिनमें अगर आपका कोई भी रुपए फंस जाते हैं या फिर जो प्रोड्यूसर आपके रुपए नहीं दे रहे हैं, कुछ भी मतलब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, तो ये जो मतलब संस्था होती है आपको प्रोवाइड करती है। इसीलिए इस संस्था में मेंबरशिप लेना जरूरी है। अगर मेंबरशिप आप नहीं ले रहे हैं तो आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ कार्ड की भी वैल्यू है। और अगर आप बनवाना है तो यहाँ पर आपको सिंपली इनके वेबसाइट्स पर जाना है, और वहाँ पर आपको फॉर्म वगैरह मिलेगा। वहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और जो आपकी मेंबरशिप है यानी असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर जो भी, अगर क्योंकि आप अगर न्यू शुरू कर रहे हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में ही आप फिर करेंगे, फिर उसके बाद एसोसिएट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, और अपना कंप्लीट एड्रेस और इंटर करके सबमिट कर दीजिए। अपने जो भी फीस वगैरह हो वो आपको पे करनी होगी। तो सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं, और ये टाइम टाइम पर रिन्यू होता रहता है, तो आपको रिन्यू करा लेना है। जैसे आप जब एसोसिएट असिस्टेंट डायरेक्टर से प्रमोट हो चुके हैं, एसोसिएट डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर बन चुके हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें जाना है और फिर अपना रिन्यू कराते रहना है। और अगर आप मुंबई में ही रहते हैं तो आपको सिंपली अपने जो ऑफिस है इनका वहाँ पर जाना है, जिसका कुछ एड्रेस अंधेरी बेस्ट में है, आपको पता करना है। आप अपना गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ जाइए और वहाँ कार्ड बनवा लीजिए। तो जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए ऑफलाइन ही बेस्ट है, और जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए कोई दूसरी मतलब सिटी में, तो उनके लिए ऑनलाइन ही बेस्ट रहेगा। तो इसी तरीके से आप एक डायरेक्टर कार्ड बनवा सकते हैं। और एजुकेशन का मैंने बता दिया, सिंपली आपको कोई भी एजुकेशन हो, 10+2 हो या फिर ग्रेजुएशन हो, ये महत्व नहीं रखता है, लेकिन आपको वो काम आना चाहिए जिस काम में आप जाना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर फिल्म डायरेक्शन के गुण होने चाहिए। यह नहीं है कि आप सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं और इधर फिल्म डायरेक्शन में आ गए, या फिर आप फोकस ब्लर थे, कुछ भी मतलब काम होता है, और अगर आप अपना काम दूसरा देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। आपको जो उस काम में आप जाना चाहते हैं, जैसे उसमें आप फुल फोकस रखिए अपना, फिल्म डायरेक्शन में देखिए क्या क्या काम होता है, वहाँ पर आप सिंपली जाइए स्टूडियोज में। पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे आप तो आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो संघर्ष करते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है, और अगर आप स्टूडियोज में जाएंगे वहाँ पर आपको काम मिल जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, तो आपको सिंपली पहले तो इंटर्नशिप पर होता होगा तो आपको वो लोग सैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको मन लगाकर काम करना है। उसके बाद जब आप 1-2 साल के हो जाएं, जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, तब वो लोग आपको सैलरी भी देंगे। सैलरी नॉर्मली 25,000 से शुरुआत होती है, अगर कोई मतलब सिंपली कोई बढ़िया स्टूडियो अगर आप पा जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे फिर तो आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में करोड़ों मिलते हैं। अगर आप मतलब फेमस हो गए तो, अगर नहीं फेमस हुए तो फिर करियर खराब हो जाता है। तो अपनी लर्निंग पर फोकस कीजिए और अपने संघर्ष करते रहिए, और एक दिन, एक ना एक दिन आप
मतलब सफलता को पाएंगे और अपना करियर बनाएंगे अच्छा। तो अगर ये YouTube चैनल अच्छा आपको अच्छा लग रहा है या वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल के जो दूसरे वीडियोज़ हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई कार्ड में लिंक उनकी मिल जाएगी।